ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 2 जनवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इसको प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आपके 2 प्रश्न और काफ़ी दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं हो पा रहा था, लगातार ट्रैवलिंग पे था और कुछ सिस्टम को डेवलप करने में लगा हुआ हूँ कुंडली एक्सपर्ट के लिए, तो इसलिए भी कुछ डिले था और पोस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिलहाल अब आपको मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि रेगुलर पोस्ट मिले। और आपका पहला प्रश्न है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज की चिंता से परेशान है। सबसे पहला चीज़ है, यानी किसी भी प्रकार के मैरिज से अगर आप परेशान हैं, चाहे वो लव मैरिज करके भी लोग परेशानी में चले गए या अरेंज मैरिज करके भी परेशानी में चले गए, इसका मतलब क्वेश्चन ये था तो हमारी टीम ने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। मैं क्वेश्चन एक वर्ड में कहा जाए तो क्वेश्चन है कि वैवाहिक जीवन में अगर परेशानी है तो क्या करना चाहिए। देखिए, वैवाहिक जीवन में परेशानी केवल तब होती है जब सप्तम का कारक बहुत अच्छे जगह पर ना बैठा हो, अर्थात शुक्रदेव अच्छे जगह पर ना बैठे हो, सप्तम पर किसी पृथक गारी ग्रह की अकेले दृष्टि पड़ जाए। जैसे सूर्य अगर वहाँ बैठ जाए सप्तम में, या वहाँ पर केतु बैठ जाए, या कोई ऐसी युति बैठ जाए सप्तमेश के साथ, तो भी वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। उपाय बड़ी साधारण सा है। उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले तो सूर्य को नित्य जल दिया कीजिए, ये सबसे पहला उपाय है। एक जनरल है, कोई भी चार्ट हो तो उसमें अगर वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है तो आपको सूर्य को जल ज़रूर देना चाहिए। दूसरा, आपको शुक्र का फास्ट रखना चाहिए। शुक्रवार अगर आप फास्ट रखते हैं तो वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानी आपकी ठीक हो सकती है, परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके लिए बेटर रहेगा। तो वैवाहिक जीवन में अगर परेशानी है, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज कब होता है ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जब पंचमेश और सप्तमेश साथ में जाकर बैठ जाते हैं या युति करते हैं, एक प्राइमरी ये कंडीशन है। इसके अलावा भी और कंडीशंस होती हैं तो वहाँ पर लव मैरिज के योग बनते हैं। दूसरा, कौन से ग्रह आपको दिलाएंगे कारोबार में उन्नति, आपको कैसे पता चलेगा कि किस ग्रह को आपको मजबूत कर लेना होगा। कई लोग क्या करते हैं कि अगर कौन से ग्रह को मजबूत करने से अच्छा रिजल्ट आएगा तो वो नवग्रह के रत्न पहन लेते हैं। अब नवग्रह के रत्न तो पहनना ही नहीं चाहिए, मैं आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ था कि नवग्रह वाले कभी भी रत्न को नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि उसमें कई ऐसे होंगे जो आपके लिए पॉजिटिव प्लैनेट होंगे, कई ऐसे होंगे जो निगेटिव प्लैनेट होंगे। रत्न केवल उन्हीं का धारण करते हैं जो कारक हो और कुंडली में अच्छे जगह पर बैठे हों, प्रबल हों। अगर वो खराब होंगे, नीच के होंगे और उसका रत्न आपने पहन लिया तो आपको नीचता ही दिखाएंगे, परिणाम में अच्छा परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए दशम स्थान का जो मालिक होगा, सपोज कीजिए मेष लगन में शनि देवता दशमेश है, लेकिन लगन के 20 है, लेकिन इनकी देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में तात्कालिक मित्रता शत्रुता यानी पंचता मैत्री को चेक कीजिए, उसके बाद दशम स्थान से रिलेटेड ग्रहों को कैसे मजबूत करना है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। सपोज कीजिए मेष लगन है और तो आपको यहाँ पर शनि से रिलेटेड चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे कि आपका नकारात्मक दशमेश खत्म हो जाए। तो ये कुछ ऐसे थे, एक्चुअली में जितने भी प्रश्न आप पूछते हैं वो एक जनरल आंसर होता है, किसी की कुंडली में ग्रहों का कितना अंश है, चार्ट में कैसे हैं, षडबल क्या है, सभी चीज़ों को चेक करके बताया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक आइडिया आपको मिल जाता होगा कि कैसे किसी प्रश्न का उत्तर क्या है, कैसे समझना है, उसका एक आइडिया आपको यहाँ पर मिल सकता है। अब हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं कल का राशिफल। तो चार्ट ओपन कर लेते हैं और चार्ट मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में कल का जो दिन रहने वाला है, चंद्रमा आपके लगन से भाग्य स्थान पर रहेंगे और निश्चित रूप से यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और वक्री शुक्र का एक साथ उपस्थित होना थोड़ा सा शरीर में आलस्य
आपको उत्पन्न करेगा। लेकिन यात्राएं भी अकस्मात सडन कोई यात्रा भी आपको करा सकता है। दूसरा, इस समय अकस्मात कोई दुर्घटना ना हो जाए, जैसा कि आज 1 जनवरी को वैष्णो देवी में आपने सुना अकस्मात दुर्घटना हो गई, तो इस तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाकों से आपको दूर रहना चाहिए। अकस्मात दुर्घटना के योग अभी भी मेष लगन में काफ़ी चल रहे हैं। जब तक मंगल केतु की युति अष्टम में जाकर बैठी हुई है, तब तक ये ऐसा इफेक्ट देखने को ज़्यादा मिलेगा। तो थोड़ा सा अभी भी वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। बाकी आर्थिक रूप से भी समय आपके लिए अनुकूल है, और कल उन लोगों के लिए समय अच्छा है जो कहीं पर इंटरव्यू देना चाहते हैं। वृषभ लग्न की बात किया जाए तो वृषभ लग्न में चंद्रमा लग्न से अष्टम में रहेंगे, तो कई प्रकार के रोगों को, गले से संबंधित इन्फेक्शन को बढ़ा देना, कोल्ड कफ को बढ़ा देना, वायरल फीवर को बढ़ा देना, ये सभी चीज़ गोचर में ये उत्पन्न करेंगे। आपके छोटे भाई बहनों को भी कष्ट यहाँ पर उत्पन्न करेंगे, लेकिन दूर संचार माध्यमों से कोई रुके हुए कार्य की पूर्ति हो जाएगी, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वो कॉल के माध्यम से हो, कोई एक रुका हुआ कार्य की पूर्ति होने की संभावना दिख रही है। और धार्मिक अनुष्ठानों में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका मन व्याकुल रहेगा, और धार्मिक जगह पर आप भ्रमण भी कर सकते हैं। मिथुन लग्न की बात करते हैं तो मिथुन लग्न में वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ जो चल रही थी वो परेशानी थोड़ी सी अभी कम होता हुआ मिथुन लगन में देख पा रहा हूँ, लेकिन अकस्मात स्थान परिवर्तन के योग यहाँ पर बन रहे हैं कल के दिन, और जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट ना आ जाए, इसलिए बहुत यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और कल के दिन आपको कुछ मीठे कलर की चीज़ें जो है उसको आपको डोनेट कर देना चाहिए, जिससे कि आपका शुक्र जो रहेगा, अर्थात पत्नी से का जो स्वास्थ्य में परेशानी चल रही है वो खत्म हो जाए, और आय के साधन को लेकर जो आपने काफी दिनों से प्लानिंग किया था वो भी आपके लिए कल के दिन अच्छा रहने वाला है। कर्क लग्न की बात करते हैं तो कर्क लग्न में कल का जो दिन रहने वाला मिश्रित परिणाम देगा, जहां पर आपको दोपहर से पहले पहले कई इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, और उन आइडिया पर आप काफ़ी काम भी करने लगेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन उसके बाद जो समय स्टार्ट होगा वो धीरे धीरे वाद विवादों से बढ़ता हुआ रहेगा, और कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। सिंह लग्न की बात किया जाए, सिंह लग्न में जो कल का दिन रहने वाला है वो संतान से सुख की प्राप्ति होना, बड़ी लंबे दिनों से चल रही मानसिक तनाव या बॉस से लड़ाई झगड़े, कार्य को लेकर कुछ परेशानी जो चल रही है वो सारी परेशानी खत्म होने का समय, और साथ में संतान से सुख प्राप्ति होने का समय भी यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि माता को लेकर कुछ परेशानी जरूर आपके चार्ट में कल के दिन दिख रही है। पश्चिम दिशा में भूल कर भी कल यात्रा ना करें। मिथुन लग्न की, कन्या लग्न की बात किया जाए तो कन्या लग्न में कल का जो दिन रहने वाला है वो नए वाहन, नए भूमि को खरीदने के लिए टाइम अच्छा आ रहा कि खरमास चल रहा है, तो 14 जनवरी के बाद ही आपको ट्राई करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कल खरीदना चाहते हैं तो कल अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्राओं पर आप निकल सकते हैं, छोटे भाई के साथ, छोटी बहन के साथ विवाद हो सकता है, गले में इन्फेक्शन की संभावना बढ़ सकती है, और जिनके लीवर फैटी उनको भी अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन नौकरी व्यवसाय के लिए कल का दिन एक अच्छा रहने वाला है। जो लोग नए मतलब जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली थी उनके लिए कल नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। तुला लग्न में अकस्मात दुर्घटना होने की संभावना तुला में भी बनी हुई है और मेष में भी बनी हुई है। इसके अलावा इस समय शरीर में थोड़ा सा आलस्य रहेगा, कार्य के प्रति थोड़ी सा नर्वसनेस रहेगा, कॉन्फिडेंस में लैक दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे आय के स्रोत को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और कल के दिन आपको कोई सिक्के जो होते हैं हमारे इंडियन सिक्के, 1 रुपए या 2 रुपए वाले, इसको आपको किसी मंदिर में जाके डोनेट कर देना चाहिए, जिससे कि अच्छा परिणाम आपको मिले। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं तो वृश्चिक लग्न में जो कल का दिन रहने वाला है वो आपके लग्न से चंद्रमा द्वितीय स्थान पर रहेंगे, गले में थोड़ी परेशानी बढ़ जाएगी, अकस्मात जल से दुर्घटना होने की संभावना भी दिख रही है। इसके अलावा पराक्रम आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शत्रु का नाश होगा, लेकिन थोड़ा सा सर में भारीपन भी लगा हुआ रहेगा, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ।
धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में कल का दिन चंद्रमा लगन में ही रहेंगे, तो निश्चित रूप से अकस्मात कई प्रकार की रुकावटें आ सकती हैं, आपको रुकावट से बचना चाहिए। इसके अलावा कल मेहनत थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, मतलब मेहनत अगर आप कर रहे हैं उसमें कुछ विलंब आ जाए या रुकावट आ जाए तो उससे आपको डरना नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और विष्णु भगवान की अगर आप आराधना करते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, नए अवसर आपको कल के दिन ज़रूर मिलेंगे। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में कल अकस्मात स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, साथ में आपके किसी कार्य को लेकर रुकावट उत्पन्न हो सकती है, जीवन साथी के साथ वाद विवाद बढ़ सकता है, लेकिन नौकरी व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन अगर होता है तो आपके हित में रहेगा। लंबे टाइम के लिए कल का दिन जो रहने वाला है वो अच्छा रहेगा, ज़्यादातर सकारात्मक परिणाम आपको दोपहर 2 बजे के बाद देखने को मिलेंगे। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से एकादश स्थान पर है और यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी परेशानी आपको कल महसूस हो सकती है, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, शरीर में दर्द ज़्यादा बढ़ जाना और माता के स्वास्थ्य को लेकर भी गिरावट हो सकती है। पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नौकरी के क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित रहेंगे और आपके मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन की, तो मीन लगन में चंद्रमा आपके लगन से दशम स्थान पर रहेंगे और चंद्रमा जो आपके पंचमेश होने के कारण दशम स्थान पर रहेंगे तो भाग्य का साथ भी मिलेगा और साथ में आपके अंदर ऊर्जा भी ज़्यादा रहेगी। इस ऊर्जा के कारण आप कई रुके हुए कार्य को पूरा कर पाएंगे। धार्मिक अनुष्ठान में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ज़रूर आपको करना चाहिए, कई रुके हुए कार्य कल सिद्ध हो जाएंगे। तो ये था पूरा कल 2 जनवरी कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए। अभी के लिए इतना ही, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा, ओम नमः शिवाय।